रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस को लेकर आप अलग अलग माध्यम से खबरें जरूर देख रहे हैं। इस बीच हार्दिक पांड्या को लगातार ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख ही रहे हैं। वानखेड़े में राजस्थान और मुंबई का मुकाबला हुआ, जहां पर फैंस को तो जिस तरीके से पोस्टर ले जाने के लिए मना कर दिया गया, लोगों ने फ्रेंचाइजी पर सवाल उठाए कि क्या इस तरीके से आपने कभी मुकाबलों में देखा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी नहीं चाह रही कि हार्दिक पांड्या को इस तरीके से बू किया जाए। लेकिन मुकाबले के दौरान जब टॉस पर हार्दिक पांड्या आते हैं तो फैंस जो हैं वो रोहित 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 शर्मा के नारे लगा रहे होते हैं, यानी कि शुरुआत वहां से हो चुकी थी ट्रोलिंग की और लगातार पूरे मुकाबले में चीज चलती रही। जब जब गेंद हार्दिक पांड्या के पास जाती, लोग रोहित शर्मा के वहां पर नारे लगा रहे होते हैं। और जब बात करें, जब राजस्थान बैटिंग करने के लिए आई, एक कैच छूटा वहां पर हार्दिक पांड्या से और उसके बाद फिर लोगों ने रोहित शर्मा चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या थोड़ा सा उदास भी, अगर आप देखें उनके जिस तरीके से उनका फेस अगर आप इस मुकाबले में देखेंगे, जो हमेशा कॉन्फिडेंस में नज़र आते हैं हार्दिक पांड्या, कल मुकाबले में फेस अगर आप उनका देखेंगे तो उस तरीके से नज़र नहीं आए। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा का एक जेस्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। दरअसल जब लोग लगातार हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे, रोहित शर्मा ने फैंस से अपील करी कि ऐसा ना करें। उन्होंने लोगों को शांत करने का इशारा किया, जिसके बाद फैंस शांत दिखाई दिए और इस बात को लेकर लोग लगातार सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो रोहित शर्मा खुद आगे से आकर हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करेंगे। तो कल मुकाबले में दिखा, जहां पर जब रोहित शर्मा को भी लगा कि अब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लोग हार्दिक पांड्या की ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में वो खुद सामने आते हैं और लोगों को सही से, अगर संजय मांजेकर के शब्दों में कहें, सही से बिहेव करने की उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये वाक्या हुआ वानखेड़े में अब आने वाले मुकाबलों में नहीं दिखेगा? क्या आपको लगता है कि जो मुंबई का अगला मुकाबला होगा दिल्ली के साथ, उस मुकाबलों में क्राउड जो है अब हार्दिक पांड्या को बू करना बंद कर देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई, बू करना, ट्रोल करना अपनी जगह है, लेकिन आपको प्रदर्शन से जवाब देना पड़ेगा। जो हार्दिक पांड्या अभी तक कप्तान और प्लस एज ए बैटर भी फेल रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले मुकाबलों में रोहित शर्मा की अपील कितनी काम आती है। लेकिन आप लोगों से जरूर ये अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।